हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है जब आप चार्जर को प्लग में लगाकर छोड़ देते हो, प्लग का स्विच ऑन होता है, चाहे आपके चार्जर के साथ कोई मोबाइल नहीं भी लगा हो, तो क्या इस कंडीशन में जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगी, अगर होगी तो कितनी होती है, कितने परसेंट होती है, और जो बाकी अप्लाइंसेज होते हैं जैसे आपका कंप्यूटर हो गया, जैसे आपका टीवी हो गया, अगर उनका भी स्विच ऑन है चाहे वो ऑन नहीं है, जैसे आपका कंप्यूटर ऑन नहीं है, टीवी ऑन नहीं है, क्या वो भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, अगर करते हैं तो नहीं करते हैं, ये सारे सवालों का आपको मैं इस वीडियो में जवाब दूंगा और साथ में एक टेस्ट भी दिखाऊंगा चार्जर के साथ कि वो आखिर किस तरह से विदाउट मोबाइल आपकी इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करता है अगर स्विच ऑन है तो। और साथ में आपको चार्जर को खोल कर भी दिखाऊंगा कि इसके अंदर क्या होता है, किस तरह से ये इसके अंदर कॉम्पोनेंट्स बने होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करते हैं चाहे आपका मोबाइल नहीं भी लगा हो साथ में। तो ये सारी बातें आज वीडियो में डिस्कस करेंगे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, मोबाइल का एग्जाम्पल दिया कि मोबाइल आपका इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। सो आपको मैं बताना चाहता हूँ, 8 से 10% जो है वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर देता है चाहे आपके चार्जर के साथ मोबाइल नहीं भी लगाओ। जैसे कि आप 10% बिजली वेस्ट कर देते हो, जितनी बिजली आपका चार्जर मोबाइल चार्ज करने में लेता है उतनी आप 10% वेस्ट कर देते हो सिर्फ प्लग ऑन करके जब आप छोड़ देते हो। तो इस तरह से बाकी अप्लायंसेस जो होते हैं, जैसे आपका कंप्यूटर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, जैसे आप उसको यूज़ नहीं कर रहे लेकिन आपने उसका जो प्लग है वो सॉकेट में लगाया हुआ है, तो आपको मैं बता दूँ वो 25% बिजली खर्च करता है। जैसे 100 रुपये के पीछे वो 25% बिजली वेस्ट कर रहा है वॉशिंग मशीन, अगर आप उसको यूज़ नहीं कर रहे। सो दोस्तों, इस तरह की जो कंजप्शन होती है, जो बिजली वेस्ट होती है, इस चीज़ को फैंटम लोडिंग या वैम्पायर लोडिंग कहते हैं। सो दोस्तों, अकॉर्डिंग टू एनर्जी डिपार्टमेंट, 5 से 8% हर एक फैमिली एनर्जी को वेस्ट करती है, इलेक्ट्रिसिटी जो खर्च करती है 8% तक आप साल की बिजली को वेस्ट कर देते, जो कि आपका एक बिजली का बिल बन जाता है मंथली। जैसे दोस्तों, वाईफाई का जो मॉडम होता है वो कॉन्टीन्यूसली सिग्नल भेज रहा रहता है ब्रॉडकास्ट के थ्रू, चाहे आपकी डिवाइस जो है वाईफाई से कनेक्टेड नहीं भी है लेकिन वो फिर भी कॉन्टीन्यूसली इलेक्ट्रिसिटी भेजता रहता है। जैसे आपका टीवी सॉकेट में लगा हुआ है, स्विच ऑन है, तो उसकी जो LED लाइट है वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है। स्मार्ट TV आजकल के हैं जो वॉइस कमांड से ही ऑन हो जाते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी के साथ ज़्यादा एक्टिव रहते हैं इसलिए वो ज़्यादा बिजली खर्च करते हैं। जैसे कुछ कंप्यूटर, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं जो कि स्टैंड बाई मोड में रहती हैं, तो वो आपका 10% बिजली खर्च कर देता है। जितनी आप उसको ऑन करने में वो इलेक्ट्रिसिटी लेता है उतनी आप जस्ट उसको बिना यूज़ किए सिर्फ प्लग में लगा हुआ है 10% आप बिजली खर्च कर देते हो। सो दोस्तों, मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ कि ये जो अप्लाइंसेज हैं वो कितनी बिजली खर्च करते हैं और जो अलग अलग अप्लाइंसेज होते हैं कि वो किस हिसाब से बिजली खर्च करते हैं। सो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, जैसे कि कुछ अप्लाइंसेज हैं, जैसे वॉशिंग मशीन है, मैंने आपको बताया 25% इलेक्ट्रिसिटी खर्च करते हैं, कंप्यूटर का बताया 10%, तो वो ऐसा क्यों है? सो दोस्तों, ये उनके इंटरनल सिस्टम के अकॉर्डिंग है, जबकि उनकी फंक्शनैलिटी कितनी है, उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है वो कितने एक्टिव है, उसमें कितनी स्मार्ट फैसिलिटीज़ दी गई हैं, सो उस हिसाब से जो अप्लाइंसेज हैं बिजली खर्च करते हैं चाहे वो बंद भी हैं। कुछ ऐसे भी अप्लाइंसेज हैं जो कि ज़ीरो, अगर वो बंद हैं, अगर आपका स्विच ऑन भी है उसका सॉकेट में लगा हुआ है, तो वो ज़ीरो बिजली खर्च करते हैं। तो इस इमेज में देखिए, जिसमें मैं आपको बताता हूँ कि जो अप्लाइंसेज है वो कितनी बिजली खर्च करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, वॉशिंग मशीन है वो 25% खर्च करती है, जैसे अगर वॉशिंग मशीन ऑन है तो वो 7 वॉट खर्च कर रही है, अगर वो स्टैंड बाय मोड में है या आप उसको यूज़ नहीं कर रहे वो 4 वॉट फिर भी ले रही है, तो देखिए कितना बड़ा डिफरेंस है। इसी तरह से जो एप्पल TV है वो भी 21 वॉट ऑन में ले रहा है और ऑफ में ले रहा है 17 वॉट, देखो कितना डिफरेंस है। अगर आप उसको यूज़ नहीं कर रहे तो प्लीज़ उसको बंद कर दीजिए, आपकी बिजली सेव होगी। उसी तरह से जो सैमसंग का केबल बॉक्स है वो 28 वॉट ऑन में ले रहा है और 26 वॉट ऑफ में। उसी तरह से ये लास्ट एग्जांपल है मैकबुक, आप देख सकते हैं कितनी ऑन में लेता है, कितनी ऑफ में लेता है। तो ये थी कुछ एग्जांपल्स, आपको मैंने बताया कि कितनी वॉट कंजम्पशन करते हैं। कुछ ऐसे भी अप्लाइंसेज हैं जो, जैसे स्मॉल अप्लाइंसेज होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेज जिसमें इतना एक्टिव रिस्पॉन्स नहीं होता, स्मार्ट टेक्नोलॉजीज उसमें यूज़ नहीं की जाती, तो ऐसे जो ऐसे कंपोनेंट्स हैं वो बिजली नहीं भी खर्च करते। सो दोस्तों, अब बारी है आपको मैं थोड़ा सा लाइव एग्जांपल बताऊं। मैंने चार्जर के साथ कोई मोबाइल अटैच नहीं किया,
चार्जर का जो मैंने स्विच ऑन है, चार्जर के साथ जो सॉकेट है उसका मैंने स्विच ऑन कर दिया है। सो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो चार्जर के थ्रू कंटिन्यूसली पास हो रही है, उसके अंदर जो कंपोनेंट्स, जो सॉकेट्स लगे हुए हैं। आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस या इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस होती हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स होते हैं, कई सारे सेमीकंडक्टर्स होते हैं, कैपेसिटर्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं। जैसे आपके घर में 220 वाट आ रहा है, 220 या 240 वाट आपको मिल रही सप्लाई, वो सप्लाई आपके अप्लायंसेस में जाती है उनके हिसाब से, क्योंकि वो उस सप्लाई को, उस इलेक्ट्रिसिटी को आगे जो कंडक्टर्स लगे होते हैं, कैपेसिटर्स लगे होते हैं, उसके अकॉर्डिंग उस बिजली को कन्वर्ट करते हैं कि आपको, जैसे फ़ोन में आपको 5 या 10 वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, सो उस हिसाब से जो बोर्ड से जो बिजली निकल रही है वो तो 220 वोल्ट की है, बट जो चार्जर के अंदर जो चीज़ें लगी होती हैं वो उस बिजली को 5 या 10 वोल्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि हम अगली वीडियो में देखेंगे। सो ये देखिए, जैसे मैंने स्विच ऑन कर दिया, जो इसके इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स थे जिसने कि बिजली को कंज्यूम किया, जैसे मैंने फ़ोन को इस चार्जर के साथ लगाया और फ़ोन में जो चार्जिंग होनी होगी चाहे वो कुछ सेकंड्स के लिए हो, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो था वो आपके चार्जर में आ चुका था। तो अब आपको एक लाइक एग्जांपल भी दे दी कि किस तरह से जो आपका चार्जर है वो कंटिन्यूसली बिजली खर्च करता है अगर वो ऑन है तो। दोस्तों अगली वीडियो में हम जानेंगे कि चार्जर के अंदर किस तरह से क्या कंपोनेंट्स बने होते हैं, इससे आपको आइडिया हो जाएगा जो बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस होती हैं उनके अंदर भी कुछ इस तरह से। जस्ट आपको एग्जांपल के तौर पर मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से चार्जर इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करता है, किस तरह से क्या चीज़ बने होते हैं, क्या फंक्शनैलिटी है। सो ऐसी नॉलेजेबल वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब टू दिस चैनल, और जो चार्जर की वीडियो मैं आगे एंड स्क्रीन में या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, ज़रूर आप देखिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। और नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपको रिव्यू, टेस्टिंग, एक्सपेरिमेंट्स प्लस व्हाट इनसाइड इन, ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूं, क्योंकि हमारे चैनल का ये थीम है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे एक वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।